Hello students, welcome to Rocking Guru. Today we study imperfection and defects in solid state. Okay, then let me start. First of all, we know about what do you mean by defect. Defect का क्या मतलब होता है? और अगर हम बात करें किसी solid structure में, यानी किसी solid crystal में, ठीक है? तो defect का मतलब होता है जो constituent particles जो होते हैं, उनका जो arrangement होता है, अगर उसमें irregularities आती हैं, तो वो आपको कहलाता है डिफेक्ट. ठीक है, तो अगर हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शन सेम थिंग है, अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे इररेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल स्टेट. यानी जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके जो अरेंजमेंट है उसमें जो भी इररेगुलरिटीज आएगी वही होगा आपका डिफेक्ट. ठीक है, नाउ यहाँ पर हम डिफेक्ट्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. हम देख रहे हैं डिफेक्ट्स के टाइप्स. तो डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स को अभी हमें नहीं पढ़ना है तो हमने उनको साइड में रखा हुआ है. हम मेनली यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक डिफेक्ट. तो एटॉमिक डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट. अब सबसे पहले ये समझिए पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट होते क्या है. तो पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जो किसी पूरे क्रिस्टल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से जो डिफेक्ट आता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो थोड़ा डिफेक्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से, जैसे वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट. और अगर हम बात करें लाइन डिफेक्ट की, तो लाइन डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो भी आपका सॉलिड क्रिस्टल होगा उस सॉलिड क्रिस्टल में जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रो होगी वो पूरी डिस्टर्ब्ड रहेगी, जिसकी वजह से आपका लाइन डिफेक्ट कॉज होगा. और अब अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप की, तो पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज इंप्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट होते हैं. तो वो डिफेक्ट जिनमें जो आपका कंपाउंड है उसकी स्टाइकोमेट्रिक चेंज नहीं हो रही है, वो उसी रेशियो में प्रेजेंट है. जैसे मैंने बोला NaCl, तो NaCl जो है आपका, अगर उसमें स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तब भी वो NaCl जो होगा वो NaCl ही रहेगा, Na2Cl नहीं हो जाएगा या NaCl2 नहीं हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, तो कॉमन सी बात है, इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका क्रिस्टल है उसमें कोई और मेटल आयन की इंप्योरिटी आ गई है. नेक्स्ट है आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें आपके कंपाउंड की पूरी स्टाइकोमेट्री ही चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अगर मैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं फिर से, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेनली चार तरह के होंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है, ये चार तरह के मेनली स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं. इन्हें हम लिखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं कि डिफेक्ट होते क्या है. तो सबसे पहले हमारा डिफेक्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट. तो आप वैकेंसी डिफेक्ट से क्या समझते हैं, कॉमन सी बात है, हर चीज के नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है. यहाँ पर बोला है वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, कहीं पे वैकेंसी है यानी वैकेंट है. जैसे अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं और ये रूम मेरा एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल लैटिस है, और मैं एक एटम हूं और मेरे जैसे बहुत सारे एटम्स यहाँ पे अरेंज है, जैसे आप लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो अरेंज है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी तरह निकल के इस क्रिस्टल से बाहर चले जा रहा हूं, तो क्या मेरी पोजिशन पे वैकेंसी हो गई? और अगर मेरी पोजीशन पे वैकेंसी होगी इसका मतलब क्या है कि ये वैकेंसी डिफेक्ट है, यानी यहाँ पे मेरी वैकेंसी की वजह से इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, ये होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट. अच्छा, लेकिन हम लोग बोलते हैं सर वैकेंसी डिफेक्ट ठीक है, लेकिन ये कॉज कैसे होगा? तो जब भी आप किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो कुछ एटम्स क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके सॉलिड से आउटसाइड चले जाएंगे, तो इसका मतलब सॉलिड को हीट करने से ही आपका वैकेंसी डिफेक्ट कॉज होता है. सेकेंड है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि आपका कोई भी क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, फ्री स्पेस. ठीक है, और उन फ्री स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स. तो इसका मतलब जो भी आपका फ्री स्पेस था उसमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स थी वहां पर अगर कोई और एटम आके आ जाए तो क्या अब जो आपका क्रिस्टल है उसमें डिफेक्ट कॉज हो गया. ठीक है, कैसे, एक एक्स्ट्रा एटम आ गया है, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, आप लोग भी खड़े हैं, सबने अपनी पोजीशन ले रखी है, लेकिन अचानक से
कोई और अनदर पर्सन आया और उस अनदर पर्सन ने आकर के कहीं हमारे बीच में एक ऐसी जगह पे घुस गया जहां पे बीच में गैप था, तो अब क्या होगा? जैसे ही वो आया फिर से अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस हुआ और फिर से डिफेक्ट कॉज हुआ, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो आपका एटम होता है वो इंटरस्टिशियल साइट को आके ऑक्यूपाई कर लेता है, और जैसे ही वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कॉज होगा। अब जरा खुद सोचिए, आप इस कमरे में है, सब अरेंज है, तो आपकी एक प्रॉपर डेंसिटी होगी, लेकिन अगर कोई और भी आके इसमें अरेंज हो जाता है जबरदस्ती, तो क्या डेंसिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, डेंसिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। जबकि अगर हम बात कर रहे थे वैकेंसी डिफेक्ट की, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था, एक एटम निकल के चला गया है ना, क्रिस्टल से बाहर चला गया, और जैसे ही वो क्रिस्टल से बाहर गया तो क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए एक बात जाननी बहुत जरूरी है, क्या कि हमारा जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये मेनली हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, ठीक है? और अगर मैं कहूं कि अच्छा सर तो फिर आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड में ही हमारे दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कॉमन सी बात है, आयनिक सॉलिड में होता है, तो आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एनायन एंड कैटायन, ठीक है? लेकिन जब शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज होता है तो क्या होगा, तो जब शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज होगा तो क्या होगा, एनायन और कैटायन जो है वो पेयर में एक साथ मिलकर रिमूव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका क्रिस्टल से कैटायन रिमूव हो गया एनायन रिमूव नहीं हुआ, या एनायन रिमूव हो गया कैटायन रिमूव नहीं हुआ, दोनों ऑलवेज पेयर में एक साथ रिमूव होंगे, और जैसे ही ये दोनों एक साथ पेयर में रिमूव होंगे आपके क्रिस्टल से, तो क्या वहां पर वापस से कुछ डेफिशिएंसी हो गई आयंस की, और जैसे ही आयंस की डेफिशिएंसी कॉज हुई तो वहां पर क्या हुआ, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज हो गया। अच्छा एक बात खुद सोचिए, जब आपका एक कैटायन और एक एनायन पेयर में क्रिस्टल से बाहर चला गया तो क्या आपकी डेंसिटी पर कुछ फर्क पड़ा? हाँ, क्या हुआ, डेंसिटी आपकी कम हो गई क्रिस्टल की, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी क्रिस्टल की कम हो जाती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेगा, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाएगा, यानी क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है ना, है क्रिस्टल में लेकिन इंटरस्टिशियल साइट पर आ जा रहा है अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके, ठीक है? और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका फ्रेंकल डिफेक्ट कॉज होगा। अच्छा तो एक बात बताइए, आपका एटम जो है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, क्रिस्टल में लेकिन क्या किया, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, और जैसे ही वो इंटरस्टिशियल साइट पे गया तो क्या हुआ, आपका फ्रेंकल डिफेक्ट कॉज हो गया, ठीक है? तो एक बात खुद सोचिए कि क्या इसमें आपकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसमें आपकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये था आपका फ्रंटल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, आपको समझा दिया है मैंने इनको, अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा, जैसे मैं इनको नोट कराऊंगा तभी मैं आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी लिखवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगर मैं करूं लाइन डिफेक्ट की बात, तो लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन अ एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, यानी लाइन डिफेक्ट्स क्या है, इरेगुलरिटीज या डेविएशन, ठीक है? किसके किसकी इरेगुलरिटी और डेविएशन, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का, किसी भी आइडियली अरेंज्ड एंटायर रो में लैटिस पॉइंट की, ठीक है? यानी जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्हीं को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, अगर वो आइडियली अरेंज है और अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आएगी तो वो क्या होगा, आपका लाइन डिफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट डिफेक्ट्स की, तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या है, इरेगुलरिटीज अगर आपके आइडियल अरेंजमेंट में आती है अराउंड अ पॉइंट और एन एटम, यानी किसी भी पॉइंट या एटम में अगर इरेगुलरिटीज आ रही है अरेंजमेंट में, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका पॉइंट डिफेक्ट होगा। पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैं आपके नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया था, एक था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज
नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट्स, यानी अगर किसी भी पॉइंट डिफेक्ट की वजह से स्टाइकोमेट्री ऑफ सॉलिड डज नॉट गेट डिस्टर्ब, अगर सॉलिड की स्टाइकोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है तो वो आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। और दीज डिफेक्ट आर ऑल्सो नोन एज इंट्रेंसिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट्स। यानी इन डिफेक्ट्स को हम एक और नाम देते हैं क्या, इंट्रेंसिक या थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, यानी जब कुछ लैटिस साइट क्या होंगी, वैकेंट होंगी। वैकेंट कब होंगी? जब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और रिमूव होकर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंट डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिस डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी डिफेक्ट क्या है, सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, यानी ये डिफेक्ट जब अराइज होगा, जब सब्सटेंस को हीट किया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो सबसे पहले इंटरस्टीशियल डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं। When some constituent particles occupy an interstitial site, यानी जब कुछ constituent particles outside the crystal से आते हैं और interstitial sites को occupy करते हैं, तो ये defect क्या कहलाएगा? Interstitial defect, ठीक है। और ये defect में क्या होगा? This defect increase the density of substance, बता चुका है। अब आपको note डाल के एक important चीज याद रखनी है, vacancy defect और interstitial defects जो होते हैं वो मेनली शो होते हैं बाय नॉन आयनिक कंपाउंड्स, यानी वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट को मेनली नॉन आयनिक कंपाउंड्स ही शो करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो इन आयनिक सॉलिड्स सम कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, यानी किसी भी आयनिक सॉलिड में जब सेम नंबर के कैटायन और सेम नंबर के एनायंस जो है मिसिंग होंगे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है सॉलिड की वो डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी इस डिफेक्ट में क्या हुआ, डेंसिटी और स्टेबिलिटी दोनों डिक्रीज होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CHCl, CSBr। लेकिन अब आप कैसे याद रखेंगे कि सर हमें कुछ एग्जांपल दे दिया, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल है? तो एक बात याद रखिए, आपको यहाँ पर हमेशा जो एनायन मिलेगा वो ज्यादातर हेलोजन ही मिलेगा, यानी हैलाइड आयन ही मिलेगा, और जो आपको पॉजिटिवली चार्ज कैटायन मिलेगा वो हमेशा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि अरे हाँ ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में इन सम आयनिक सॉलिड्स स्मॉल आयंस यूजुअली कैटायंस, कॉमन सी बात है, एनायन और कैटायन में कैटायन का साइज ऑलवेज स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल आयंस यूजुअली कैटायंस आर डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, यानी ये अपनी नॉर्मल साइट से डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, और कहां चले जाते हैं, सम इंटरस्टीशियल साइट्स, ठीक है, जिसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा एक बात और, इस डिफेक्ट में क्या होगा, आपकी जो डेंसिटी होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट था, उसमें डिफेक्ट आ गया, इरेगुलरिटी आई। जितनी इरेगुलरिटी आएगी उतना क्या होगा, इरेगुलरिटी आने से आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgBr, AgI एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल तो हमेशा याद रखिए, इसमें जो आपका कैटायन होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और जो एनायन होंगे वो हैलोजन ग्रुप के भी हो सकते हैं, यानी 17 ग्रुप के भी हो सकते हैं, 16 ग्रुप के भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ आया? बहुत आसान था, ठीक है। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो की है AgBr shows Frenkel and Schottky defect। यानी AgBr एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकल के साथ साथ शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, यानी AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है। और पॉइंट डिफेक्ट का हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा,
सम इम्प्योरिटी एटम्स, यानी कुछ इम्प्योर एटम्स जो होंगे वो आएंगे एटम के अंदर और ऑक्यूपाई कर लेंगे किसको, इंटरस्टिशियल साइट को। और अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड के बारे में, तो आयनिक सॉलिड के केस में क्या होगा, सम कैटायंस जो होंगे वो अपनी रेगुलर साइट से रिप्लेस हो जाएंगे बाय सम अनदर कैटायंस, ठीक है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट कॉज होगा। नहीं क्लियर होगा तो अब एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपका एक NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, ये आपका NaCl का क्रिस्टल बना है जिसमें यहां पर सोडियम प्रेजेंट है, बाकी जगह पे जहां पे भी गैप है वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पे भी आपका सोडियम प्रेजेंट है। तो ये हमने एक शॉर्टली NaCl का एक हल्का सा क्रिस्टल बनाया है, ठीक है, ये आपका NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है जिसमें सारे NaCl आपस में लिंक्ड है, बाकी क्लोरीन से, क्लोरीन भी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो आपका NaCl का क्रिस्टल है, लेकिन अगर इसमें कोई और NaCl कैटायन है आपका, और कोई कैटायनिक इंप्योरिटी आ जाती है जैसे स्ट्रोंशियम, तो अगर स्ट्रोंशियम आएगा तो स्ट्रोंशियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस टू, लेकिन सोडियम की प्लस वन, तो इसका मतलब एक स्ट्रोंशियम क्या करेगा, दो सोडियम को रिप्लेस करके और उनकी प्लेस अकेला ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एक डिफरेंट कैटायन आ गया एक रेगुलर अरेंजमेंट के एनायंस को रिप्लेस करके, एक एनायन को रिप्लेस करके दूसरा भी उसकी जगह ले सकता है, एक की जगह एक भी आ सकता है, दो की जगह एक भी आ सकता है, तीन की जगह तीन भी आ सकते हैं। तो ये है आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है NaCl हैविंग सम अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड, यानी NaCl में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइज होता है जिसमें सम ऑफ द साइट ऑफ सोडियम आयन आर ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंशियम आयन। इसका मतलब कुछ सोडियम आयन की साइट को कौन कवर करके रखता है, स्ट्रोंशियम आयन कवर करके रखता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना पढ़िए, इसको समझिए, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।